आपके हिसाब से फिर हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा एनएचआई में है, कोई कह रहा एनएच में है, कोई कह रहा स्टेट में है, ये क्या है जी? कुछ नहीं यूपी में होगा लगता है, कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही एनएचआई सर, उनको सुनिश्चित करवाइए। सीएम हड़का रहे हैं और बड़े बड़े अफसर चुपचाप सुन रहे हैं। ये सभी आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं। क्या माजरा है बताते हैं, पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से फिर हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है एनएचआई में है, कोई कह रहा है एनएच में है, कोई कह रहा है स्टेट में है, ये क्या है जी? कुछ यूपी में होगा लगता है, कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही एनएचआई सर, अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका बिजनौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में आधा पोर्शन, हरिद्वार वाले नजीबाबाद देख रहे हैं सर, उनसे तो बात होती रहती है। इस पोर्शन का सर मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए, नहीं ना ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है ये, कि मतलब कि आप हो कि एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है हमारी सब एजेंसी यहाँ बैठी हुई है, सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बुलाना है। कोई मजाक बात नहीं, दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर, वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी को कुछ कहें, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए, ये बहुत मतलब सीरियस बात है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने वायरल आईएएस दीपक रावत का वीडियो जरूर देखा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। अपनी फील्ड विजिट के वीडियोस अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, वीडियो में काफी तेज तर्रार नजर आते हैं। अब इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार ये किसी अपराधी के रिमांड नहीं ले रहे, बल्कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इनकी रिमांड ले रहे हैं। क्या माजरा है आइए विस्तार से समझाते हैं। सीएम पुष्कर धामी एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, सड़कों के गड्ढों पर सीएम काफी नाराज हो रहे हैं। वीडियो में सीएम के ठीक बगल में आईएएस दीपक रावत भी बैठे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दीपक रावत इस वक्त कुमायूं कमिश्नर पद पर तैनात है। सीएम सड़कों पर गड्ढों को लेकर नाराज नजर आते हैं, अफसरों से सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई अफसर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। सारे अधिकारी बस जी जी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी गोलमोल जवाब देने लगे, इससे सीएम और उखड़ गए। गुस्से में अधिकारियों से कहते हैं, कोई नेशनल हाईवे पर जिम्मेदारी डाल रहा है तो कोई राज्य की संस्था पर ठीकरा फोड़ रहा है, सब लोग एक साथ बैठकर तय कर लो कि क्या करना है। अब किसी अखबार में सड़क के बारे में खबर आई तो ठीक नहीं होगा। सीएम के बगल में बैठे आईएएस दीपक रावत से भी सड़कों को लेकर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है दीपक, आप इसको देखिए, दोबारा ये अखबार में आया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा कि किसी के खिलाफ कुछ लिखूं या कहूं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब आप इसे सुनिश्चित करवाइए। दीपक रावत भी इस पर जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ सर मैं इसे दिखवाता हूँ। इसके बाद सीएम कुछ दिशा निर्देश नोट करने लगते हैं। सीएम के ऐसे तेवर देखकर सारे अधिकारी चुपचाप बैठे नजर आते हैं। तो ये थी मुख्यमंत्री की बात। अब बात करते हैं दीपक रावत की, आखिर इनको लेकर इतनी चर्चा क्यों रहती है? उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी दीपक रावत अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उनकी गिनती देश के तेज तर्रार अफसरों में होती है। दीपक 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनका जन्म मसूरी में हुआ था और यूपीएससी क्लियर करने पर उन्होंने अपने होम कैडर यानी उत्तराखंड में ही पोस्टिंग उन्हें मिल गई थी। हालांकि उन्हें यह सफलता अपने तीसरे अटेम्प्ट में मिली थी। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पर उनके फील्ड विजिट के वीडियोस चर्चा में रहते हैं, यूट्यूब पर उनके 42 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें तो उनके हर वीडियो पर लाखों में व्यूज़ होते हैं। अब ऐसे में उनका ये वीडियो भी वायरल होना वाजिब ही है। आपके लिए सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसिडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज।
जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी, आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।